Amenita war cemetery la bade uthine ase amnyan dikhese idu minister of state panchayati raj kapil moreshwar patil tai do hisigule do eta koimare aigine ase aro tai ede idu war cemetery do visit kole tos pajiri visit kole ase guine kuine ase itia do hisigule timing do hisigule ten thik huigine ase tai aha laga do urke ase amen tai ahine ki ki kore aro ki ki hobole ase program han kina chuli bole ase eton saule aro report kole ede aigine ase narendra modi ji ke drishti se नॉर्थ ईस्ट के आज स्टेट को उन्होंने फोकस किया है डेवलपमेंट के लिए, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर वहां पे जाके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं है, जो स्कीम है, उस स्कीम के बारे में जानकारी ले रहे हैं लोगों से, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिलके उनके माध्यम से जानकारी लेके किस तरह से गवर्नमेंट गंभीरता से विचार कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस प्रधानमंत्री का इस तरह से कि जब भी वो लोकसभा तो नॉर्थ ईस्ट का जिक्र हमेशा करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो लोग लगा रहे हैं, जिसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा अपने स्पीच में बात करते रहते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ विकास के लिए जो फंड देना है उसके बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट गंभीरता से विचार करके फंड रिलीज कर रही है। 2019-20 के लिए विशेष अनुदान के तौर पर 185 करोड़ दिया है, 15 फाइनेंस से लगभग 125 करोड़ रुपया, 125 करोड़, 100 करोड़, वो 125 करोड़ वो दिया है। ऐसे अलग अलग योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से लगभग 562 किलोमीटर की लेन रोड की वो सैंक्शन हुई है, उसका प्रपोजल नागालैंड गवर्नमेंट के माध्यम से अभी सेंट्रल मिनिस्टर ने गया नहीं, कल मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात किया, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जी है, हमारे डिप्टी सीएम है, सबका फोकस नागालैंड के विकास पर और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोकस नागालैंड के विकास के ऊपर। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे हमारे कश्मीर में नेचर है वैसे ही नेचर हमारे यहाँ नागालैंड में, यहाँ पर्यटन को और अच्छी तरह से बढ़ावा मिल सकता है। नागालैंड सरकार को भी पहल करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट निश्चित तौर पर उनको हेल्प करेगी। यहाँ पे अगर टूरिज्म बढ़ता है तो टूरिज्म के बढ़ने से इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप हो सकता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करने के लिए तैयार है, नागालैंड सरकार इसके लिए पहल करे। एक अच्छा स्लोगन मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे नागालैंड के नागरिकों को दिया है, पीस फॉर डेवलपमेंट। कल सीएम साहब मुझे बता रहे थे तो प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हर एक स्टेट का गांव वो गांधी जी के सपनों का गांव बनाना है, और हमारा विजन है कि प्रधानमंत्री जी के सपनों का गांव बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे उस वक्त 13 फाइनेंस था, तो 58,000 करोड़ रुपीज 13 फाइनेंस के माध्यम से ग्राम पंचायत के विकास के लिए, जो आपके यहाँ पे जो ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज है उनके विकास के लिए पूरे देश के लिए 15,000 करोड़ रुपया मिलता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद उसको 4 गुना बढ़ा के 2,292 करोड़ रुपया आवंटन कर दिया,
सर चार गुना बजट बढ़ाया, गांव का विकास गांव में होना चाहिए, इसलिए ट्रेडिशनल लोकल बॉडी को ग्राम पंचायत को ज्यादा फंड मिले और वो अपने गांव में अपना विकास करे, उनकी जो जरूरतें हैं वो विकास के माध्यम से पूरी करने के लिए उनको अधिकार मिले, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बजट बढ़ाया। अभी डिप्टी फाइनेंस में लगभग 2,36,000 करोड़ का बजट इस ट्रेडिशनल लोकल बॉडी और ग्राम पंचायत के लिए 15 फाइनेंस के माध्यम से हमारे मंत्रालय की सिफारिश से अभी जाएगा, उसका ही 125 करोड़ रुपीस नागालैंड गवर्नमेंट को आया है। मैंने देखा नागालैंड ने यहाँ के सीएम रियो जी, डिप्टी सीएम पट्टन वाई जी, हमारे आर्मी मिनिस्टर जामिल जी और सारे काउंसिल मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के माध्यम से नागालैंड में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के माध्यम से बहुत अच्छा काम हुआ। कल मैंने एक भवन का ओपनिंग किया, मल्टीपर्पज भवन है, 40 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से उसको मिला, लेकिन 40 लाख रुपए 40 लाख रुपीज गांव के लोगों ने अपना योगदान देके वो बड़ा भवन बनाया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग पूछ चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए हमारा भी योगदान विकास के लिए हो, इसलिए खुद का योगदान भी लोग दे रहे हैं। वैसे आज मार्केट का ओपनिंग हुआ, एक ग्राउंड का ओपनिंग हुआ, एक अच्छी तरह से नागालैंड विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, हम निश्चित तौर पर नागालैंड गवर्नमेंट को पूरी तरह से नागालैंड के विकास के लिए किस तरह से हेल्प हो इसके लिए पूरा पूरा योगदान हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से किस तरह से मिले इसके लिए आज 2 दिन में मैं जो यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ले जाके उसको प्रधानमंत्री जी को रिपोर्टिंग करेंगे और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उसके ऊपर गौर से सोच के यहाँ पे विकास की योजना लागू करेगी। मैं कल मुख्यमंत्री जी से बात किया, कल डिप्टी सीएम से भी बात किया, हमारे डिपार्टमेंट की एक योजना है स्वामित्व, ये बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी स्कीम है। अभी तक नागालैंड गवर्नमेंट ने हमारे साथ एमओयू नहीं किया, वो जल्द से जल्द करे, क्योंकि जब से इंसान धरती पर आया है तब से लेकर आज तक जो हमारा मकान है और गांव में मकान के नीचे के जगह का प्रॉपर्टी कार्ड हमारे पास नहीं होता है, तो पूरे देश में इस स्कीम को योजना को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है। नागालैंड भी अगर एमओयू करता है तो इसका बेनिफिट नागालैंड को मिलेगा, हमारे घर के नीचे के जमीन का, हमारे घर का प्रॉपर्टी कार्ड हमें मिलेगा, तो कभी भी हमको किसी भी चीज की अगर अड़चन आती है तो बैंक में जाके हम कर्जा ले सकते हैं, हमको अगर नया घर बनाना है तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर लोन मिल सकता है। ये सारा सोच के प्रधानमंत्री ने योजना बनाया, जैसे लास्ट मंथ एमपी में एक ही दिन में 1,37,000 पीपल्स को ये प्रॉपर्टी कार्ड वितरित हुआ। एक भाई ने अपना किस्सा बताया, उसने कहा कि जब मेरे पास प्रॉपर्टी कार्ड नहीं था तो मैं मेरा दुकान जहां वहां लगाता था, जैसे प्रॉपर्टी कार्ड मिला मैंने 1.5 लाख रुपए का लोन लिया, अपना खुद का एक डाला लिया, अभी मेरे को जो प्रॉफिट होता था उससे दुगना प्रॉफिट हो जाता है। मतलब एक प्रॉपर्टी कार्ड के मिलने से वो आदमी का इनकम, उसने बिजनेस बढ़ाया तो उसका इनकम दुगना। वैसे ही यहाँ पे कुछ हमारे साथियों को, कुछ भाइयों को अगर प्रॉपर्टी कार्ड के ये स्वामित्व योजना में नागालैंड हमारे पंचायत राज मिनिस्ट्री से एमओयू करता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे भी इसका बेनिफिट निश्चित तौर पर होगा। दूसरी हमारी योजना है ग्राम पंचायत भवन, जैसे अपना ट्रेडिशनल लोकल बॉडी उसका अगर भवन बनाना है तो उसके लिए 20 लाख रुपए का हम लोग गैप फंडिंग करते हैं हमारे मंत्रालय के माध्यम से, ये भवन दुरुस्ती के लिए 5 लाख का फंडिंग हम लोग करते हैं, कंप्यूटर के लिए हम लोग फंडिंग करते हैं, ऐसी कई योजना है। जैसे अभी नरेगा का बताया, मैंने देखा भी हम लोग एक गांव में गए थे, एक कॉन्क्रीट का रोड बना नरेगा से, बहुत अच्छा बनाया, वाटर सप्लाई की स्कीम बनाई है बहुत अच्छी तरह से, उन लोगों ने वाटर सप्लाई की स्कीम बना के अच्छी तरह से गाँव में डेवलपमेंट के लिए वहाँ के जो
लोकल बॉडी के चेयरमैन है वो अच्छा काम कर रहा है, आप क्या क्या बोलते हैं उसको, विलेज काउंसिल चेयरमैन, तो ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। और मुझे तो आज अच्छे से लगा, एक हमारा विलेज काउंसिल के चेयरमैन बता रहे थे कि हमारे गांव में सोशल जस्टिस भी और क्रिमिनल जस्टिस गांव के गांव में हम लोग करते हैं और सबको बाइंडिंग होता है, वो मानना पड़ता है कि अच्छी बात है, इसका इसके वजह से क्राइम रेट भी कम हुआ होगा। इस तरह से अगर यूनिटी रहेगी तो विकास के माध्यम से आगे जाने के लिए इनको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे एनआरएलएम का मैंने अभी सुना है, हमारी यहाँ पे सिस्टर आई थी, वो विडोज के लिए काम करती है, एनआरएलएम के माध्यम से महिलाओं को मोटिवेट करके उनके माध्यम से काम कराती है। मैंने अभी दो तीन जगह पे विजिट किया, वहां पे भी बहुत अच्छी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अच्छा काम हो रहा है। तो नागालैंड अभी विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। एक गांव में हम लोग गए, कुटले गांव में था, किगवेमा, ये गांव में हम लोग गए, वहां उन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिखाया, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे योजनाओं का लाभ गांव में ले रहे हैं, सारे गांव वाले इकट्ठा होके वो योजनाओं का लाभ लेते हैं और उसका प्रेजेंटेशन भी उन्होंने दिया बहुत अच्छी तरह से, स्कीम का वहां पे यूटिलाइजेशन उन लोगों के माध्यम से हुआ है। ये अपने आप में एक खुशी वाली बात है, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सभी योजना जो है हर एक गांव में किस तरह से जानी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है, वो तो हमारे गरीब भाई बहनों के लिए एक संजीवनी है, कोई हमारे घर में बीमार होता है तो उसको इलाज करने का अगर पैसा नहीं है तो हमारे जेवर या घर की कुछ प्रॉपर्टी है तो बेच के हम लोग पैसा खड़ा करते हैं, लेकिन आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक उसका इलाज मुफ्त में होता है, कई लोगों ने इसका फायदा हुआ। जैसे मैं एक पुंछ में गया था गए हफ्ते में जम्मू के इधर, तो वहां पे मुझे एक रिटायर्ड टीचर मिला, उसने कहा कि मेरा वॉल खराब हो गया था हार्ट का, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, तो ये कार्ड होने की वजह से 2,80,000 रुपया मुझे उसमें से मिला और आज अगर मैं जिंदा हूं तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से जिंदा हूं। इस तरह का एक शरीफ शाह करके जो टीचर है उसने बताया, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभ हुआ होगा। मैं आप सभी प्रेस वाले साथी हो, आपसे निवेदन करूंगा, नागालैंड को विकास के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाना है, इसलिए आप सभी योगदान दें, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए आप अपना अगर योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों हाथ में हाथ डाल के काम कर सकते हैं और नागालैंड को आगे बढ़ा सकते।